आप जिंदगी में जो चाहते हो वही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये दो बातें हमेशा याद रखनी होंगी। पहली है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। यहाँ पर एक येलो बॉक्स है जिसके अंदर 9 डॉट्स हैं। अब आपको पेन से इन डॉट्स को आपस में मिलाना है। कंडीशन ये है कि सिर्फ 4 लाइन्स ही आप खींच सकते हो और हर लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। एक बार लाइन शुरू करने के बाद आप पेन को उठा नहीं सकते। मुझे पता है कि आप में से वही लोग इसको हल कर पाएंगे जिन्होंने पहले ही इसका हल देख रखा है, और कोई नहीं कर पाएगा। ये इस बात का सबूत है कि हमने अपनी सोच को बांध रखा है। इस पहेली को हल करने के लिए आपको पहली ही लाइन में बॉक्स से बाहर जाना होगा और इस तरह से 2 लाइन में ही 5 डॉट्स मिला लिए। उसके बाद इस तरह से 3 लाइन्स में 7 और 4 लाइन्स में 9 डॉट्स को मिलाया जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि सारी लाइन्स बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो आपके दिमाग ने अपने आप सोच लिया। और ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग एक छोटे से दायरे में ही सोचता है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आपने सुना तो होगा लेकिन कभी किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया। आपको कोई आविष्कार नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ज़िंदगी में वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, तो वो काम करो जो अब तक नहीं किए, जिनको करने से डरते हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और चैलेंज एक्सेप्ट करो। अब तक आगे बढ़ने का रास्ता इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप बॉक्स के अंदर ही खोजते रहे, लेकिन रास्ता तो बाहर है। अपनी सोच के दायरे से बाहर आओ। दूसरी बात है, अपने सपने बड़े रखो। एक आदमी था जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी थी। वो एक पार्क में बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर रोटी पर ही लगा लगा कर खा रहा था। उसको एक दूसरे आदमी ने देखा तो उससे पूछा कि तुम रोटी को रोटी पर ही लगा लगा कर क्यों खा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास सब्जी नहीं है, इसलिए ये सोच कर खा रहा हूँ कि मेरी रोटी के ऊपर चटनी रखी है। तो उस आदमी ने कहा कि जब तुम सोच सोच कर ही खा रहे हो तो चटनी क्यों सोच रहे हो? पनीर की सब्जी या गुलाब जामुन क्यों नहीं? दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। गरीबी देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। अपनी सोच तो बड़ी करो। जो लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ा सा मिल जाए, बस इतना पैसा आ जाए कि काम चल जाए, बस पासिंग मार्क्स आ जाए, बस इतना सा फिट हो जाऊं कि कोई मोटा ना कहे, बस इतना सा चाहने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में पर्याप्त से भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा चाहने वाले को ही मिलता है। थोड़ा सा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन उसी को जो बड़े की चाह रखेगा। अपने सपने, अपनी सोच बड़ी करो। मैं आपसे पूछूं कि आप में से किसी ने कभी गोल्ड बिस्किट्स देखे हैं? तो आप बोलोगे नहीं देखे। मैंने ये नहीं पूछा कि आपने रियल लाइफ में गोल्ड बिस्किट्स देखे हैं या नहीं। टीवी पर या ऑनलाइन भी तो देख सकते थे, लेकिन न्यूज़ के अलावा कभी किसी ने सर्च करके नहीं देखे होंगे, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आपके पास गोल्ड कभी आ भी सकता है, इसलिए देख के क्या फ़ायदा। कम से कम सोचो तो सही। जब सोचोगे जिसकी चाह रखोगे वही मिलेगा। अपने सपने बड़े रखो, एक दिन सब मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।